पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो बयान दिया है और आज जो इस सदन में बयान दिए हैं वो एक समान है, एक समान है। एयर स्ट्राइक के लिए जो बयान दिए गए, एयर स्ट्राइक के लिए वो और कांग्रेस के नेताओं के बयान एक समान है। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त जो बयान दिए गए कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से और पाकिस्तान के नेताओं के माध्यम के एक समान है। 370 पर पाकिस्तान के नेताओं ने जो बयान दिए और उसको यूएन में कांग्रेस के नेताओं के बयान को यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कोट किया, वो भी एक समान है माननीय। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए भी कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान देख लीजिए और आज के कांग्रेस के नेताओं के बयान देख लीजिए, दोनों एक समान माननीय। मेरी समझ में नहीं आता माननीय, मान्यवर मैं, अरे भाई इतना बौखलाते हो, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी ने एनिमी प्रॉपर्टी बिल का विरोध क्यों किया था, क्या जस्टिफिकेशन था एनिमी प्रॉपर्टी बिल का विरोध कांग्रेस पार्टी ने मान्यवर क्यों किया, इसका जवाब दे। ये नाराज होगा, वो नाराज होगा, हम सही काम नहीं करेंगे मान्यवर, जो सही होता है वो सही होता है मान्यवर। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस सदन के अंदर और लोकसभा के अंदर मान्यवर, मान्यवर अब बैठ जाइए, कमेंट्री इन बिटवीन प्लीज। मान्यवर मैं अब आपको ये तीनों देशों के अंदर धार्मिक लघुमतियों पर, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हुए, नथिंग शैल गो ऑन रिकॉर्ड अदर देन व्हाट द चेयरमैन, बताना चाहता हूं मैं। मान्यवर अब मैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर ये जो माइनॉरिटी है वहां की, उस पर जो अत्याचार हुए उसको मैं बताना चाहता हूं मान्यवर। प्लीज मान्यवर, पाकिस्तान के अंदर सिख और हिंदू लड़कियों का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन करा गए, 2014 की एक रिपोर्ट बताती है। साहब मैं पाकिस्तान बोलूं उसमें इनको गुस्सा क्यों आता है, मेरी समझ में नहीं आता। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं भैया, आप क्यों गुस्से हो रहे हो? प्लीज प्लीज प्लीज, एक गलत मैसेज आएगा, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के बारे में बोल रहे हैं, आप आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा मत कर। आपके बारे में जो रेफरेंस है उस समय पे आप पूछ सकते की रिपोर्ट ने प्लीज 2014 का 428 हिंदू पूजा स्थलों में से केवल 20 बच गए, 20 बच गए मान्यवर। ईसाई धर्म की बेटी आसिया बीबी का मामला जग विख्यात है मान्यवर। 47 में जो 23% वहां पर रिलीजियस माइनॉरिटी थी, अब 3.7% रह गई मान्यवर। बांग्लादेश के अंदर भी जब तक शेख मुजीबुर रहमान थे सब ठीक चला, जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान की सरकार गई, एक अंधे कानून की तरह वहां की धार्मिक लघुमतियों पर अत्याचार हुए मान्यवर। मैं आपको बताता हूं कि ढेर सारे बांग्लादेशी हिंदुओं को यहां शरण में आना पड़ा। छोटे ग्राम का केवेले धाम में अक्टूबर 1990 में हमला किया, जिसमें 300 घरों को आग लगा दी। एक बार
200 हिंदू महिलाओं के साथ सामूहिक जघन्य अपराध किया और उस दिन 2 अक्टूबर के दिन का है। माननीय अभी की सरकार वहां के धार्मिक लघुमतियों की चिंता कर रही है, इसके लिए प्रबंध भी कर रही है, मगर एक लंबा कालखंड गया जिसके तहत धार्मिक प्रताड़ना के मारे ये लोग अपने देश में आए हैं। इनको शरणार्थी को नागरिकता देने के लिए ये बिल है। मान्यवर 1992 में के पूर्व अफगानिस्तान में 2 लाख सिख और हिंदू थे, अब 2018 में यूएन की एक रिपोर्ट के अनुमान से केवल 500 सिख और हिंदू परिवार बचे। 2 लाख में से सिर्फ 500। मान्यवर हमें मालूम है कि बमियान के अंदर भगवान बुद्ध की बड़ी प्रतिमा थी, तोपे चलाई गई, उसको उड़ाया गया, सारे बुद्ध स्तूपों को तोड़ दिया गया, वहां से सारे भदंत भागकर भारत आए, इनकी रक्षा के लिए पूजा स्थल पर जाने की वहां मान्यवर मनाही है, मुस्लिमों की आलोचना करने की मनाही है। अल्पसंख्यकों ने अपने घर पर निशानी के तौर पर अपमानित तरीके से एक पीला कपड़ा टांगना पड़ता है। हिंदू और सिख महिलाओं ने अपना कपड़े का कलर कोई भी हो उस पर पीला टीका लगाकर एक कपड़ा टांगना पड़ता है जिससे वो चिन्हित हो, और बुर्का पहनना भी कई प्रांतों में अफगानिस्तान के कंपलसरी कर दिया है। मान्यवर क्रिश्चियनों के लिए भी ढेर सारे अत्याचार पाकिस्तान के अंदर हुए। मैं आज ये गरिमामयी सदन को बताना चाहता हूं, मान्यवर पाकिस्तान में ईसाइयों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, उन्हें अछूत समुदाय माना जाता है, उनकी जीवन की दशा दयनीय है, बेहद गरीबी की स्थिति में मलिन बस्ती में रहने के लिए उनको मजबूर किया गया है। एक केरल के पादरी को वहां उठाकर ले गए थे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरवीन कर उनको छुड़ाने का काम किया। जुलाई 2010 में कराची के बगल में मुराद मेमन गोट में 150 क्रिश्चियन लोगों की बस्ती पर हमला किया और 34 से ज्यादा मौत के घाट उतार दिए गए, चर्च को तोड़ दिया गया। मान्यवर 2002 में कुछ बंदूकधारियों ने तक्षशिला के क्रिश्चियन अस्पताल में बम फेंके जिसमें 2 नर्स और 2 नन सहित 4 लोगों की मौत हुई, 25 घायल हुए। 2009 में कुछ अज्ञात बंदूकधारी ने कराची शहर के बीचों बीच क्रिश्चियन चैरिटी संस्था पर हमला कर 6 लोगों को मार दिया, 24 घायल हुए। 2009 में एक मुस्लिम धर्मगुरु के द्वारा ईसाइयों को मारने का आह्वान करने पर 2 मुस्लिम बंदूकधारी बुरखे में आकर एक चर्च पर बम फेंका जिसमें 3 क्रिश्चियन बच्चियों की मौत हो गई। 2005 में संगला हिल 3000 मुस्लिम उग्रवादियों ने हमला कर रोमन कैथोलिक आर्मी और चर्च पर हमला किया और पूरे चर्च को ध्वस्त कर दिया। मान्यवर 2009 में गोजारा के दंगों में ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हमले हुए। 2011 में गुजरावाला शहर में 500 प्रदर्शनकारियों ने ईसाई समुदाय पर हमला कर कम से कम 20 लोगों को मार दिया और ढेरों घायल हुए। 2013 में लाहौर की ईसाई बस्तियों को मुसलमानों ने हमला कर 100 से ज्यादा घर जला दिए जिसमें 20 लोग जिंदा जल गए। मान्यवर मेरे पास ये पूरा है, मैं तो इसको रिकॉर्ड पर भी रखना चाहता हूं क्योंकि ये प्रेस का पार्ट बने। मान्यवर अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं जो बिल लेकर आया हूं वो किसी की भावना हर्ट करने के लिए नहीं, किसी भी धर्म समुदाय के लोगों को दुखी करने के लिए नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो अभी मेरा भाषण चल रहा है भैया, नहीं सुन रहा हूं, आप चिंता मत करिए। मान्यवर ये जो लोग चिंता कर रहे हैं कि माइनॉरिटी का बाद में इस देश के माइनॉरिटी की और मुसलमानों के साथ अन्याय होगा, ये नहीं अन्याय होगा। मैं एक आंकड़ा सदन के सामने रखना चाहता हूं, 2013-14 में जो कांग्रेस का अंतिम बजट था इसमें माइनॉरिटी कल्याण के लिए 3500 करोड़ थे, 19-20 के बजट में 4700 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने। मान्यवर कई सारे
उस्ताद से लेकर उनके रोजगारी के ढेर सारे कार्यक्रम यहाँ चालू हुए। इस देश का वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन और सीईओ भी बन सकता है। हमारे देश में कभी पर भी किसी भी धर्म के अनुयायी के साथ हमने अन्याय नहीं किया है और यह हमारे देश का गौरवप्रद इतिहास है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी भी इस विश्वास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये सीएबी का जो बिल है इस देश के मुसलमानों की नागरिकता को किसी भी दृष्टि से हर्ट नहीं करेगा। ये नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है। दूसरी बात, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर इसी दृष्टि से सोचे तो फिर तो दुनिया में जितने लोग हैं सबको हमने नागरिकता दे देनी चाहिए। कौन से देश में ऐसा प्रावधान है? ह्यूमन राइट के चैंपियन देश सारे हैं, वहां जरा कोई एक भारत का नागरिक को नागरिकता दिलाकर देख ले, दे सकते हैं क्या, ले सकते हैं क्या? हर देश ने अपने कानून बनाए, हम भी अपना कानून बना रहे, हर एक को यहां नागरिकता नहीं मिल सकती। एक स्पेशल क्लास के लिए एक एक्ट लेकर आए हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये करोड़ों लोगों के जीवन को एक नया सवेरा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी जो माइनॉरिटी को जरा भी चिंता मत करो। और इस बिल के लिए भी मान्यवर, इस बिल के लिए भी कहता हूं कि ये बिल भारत में रहने वाले किसी भी माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को जरा भी नुकसान करने वाला नहीं, क्योंकि ये बिल सिर्फ उनको नागरिकता देता, किसी की नहीं चिंता है, किसी की नागरिकता छीनने का सवाल ही नहीं है इस बिल से। इसके कोई प्रोविजन में से निकालकर मुझे बता दे जरा, किसी की नागरिकता नहीं छीनने जा रहे हम। हम जो वहां से बिचारे वो शरणार्थी आए हैं उनको दे रहे हैं, इसमें भला भारत के मुसलमानों को क्या आपत्ति होगी? क्यों भेद खड़ा कर रहे हो? भारत के मुसलमानों को भारत ने सम्मान दिया है, बाद में मैं आता हूं नरेंद्र मोदी सरकार ने भी क्या किया है, मगर हमने सम्मान दिया, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मान्यवर, इनके नागरिकता को कोई असर होने वाला नहीं है। ये तो वहां से जो प्रताड़ित लोग आए हैं, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, क्रिश्चियन है, पारसी है, उनको नागरिकता देने का सवाल है, किसी को हटाने का नहीं। इसलिए मेहरबानी कर पॉलिटिक्स करिए, परंतु पॉलिटिक्स कर देश में भेद खड़ा नहीं करना चाहिए। मैं आज मन से आपको अपील करना चाहता हूं, ये बड़े संवेदनशील मामले होते हैं और ये जो आग लगती है वो अपने ही घर को जलाती है, इसलिए इस आग से किसी ने खेलना नहीं चाहिए। मान्यवर, 25 नवंबर 1947 कांग्रेस पार्टी के एक संकल्प को मैं पढ़ना चाहता हूं जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी में स्वीकार किया। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के उन सभी, अब शब्द प्रयोग सुनिएगा मेरा, गैर मुस्लिमों को, मैं तो गैर मुस्लिम भी नहीं कहा, ऐसा कहा कि हिंदू सिख, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के उन सभी गैर मुस्लिमों को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए बाध्य है जो उनके जीवन और सम्मान की रक्षा करने के लिए सीमा के उस पार से भारत में आए हैं या आने वाले हैं। अब साहब, आप कांग्रेस पार्टी के रेजुलेशन को भी नहीं आपने तो नहीं माना, हम मान रहे, हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं सोर्स कहता हूं, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट एंड सोर्सेस बाय जगदीश शरण शर्मा, वॉल्यूम 3, पृष्ठ नंबर 835, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में है, निकाल कर जरा कर लेना। दूसरा, बैठे जरा, दूसरा, महात्मा गांधी जी जिसको इस देश का हर नागरिक मानता है, हर नागरिक मानना भी चाहिए, हम भी मानते हैं भैया, हम भी मानते हैं, उन्होंने कहा था 26 सितंबर 1947 में एक प्रार्थना सभा में माइक में खुलेआम यह घोषणा की, पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख, सिर्फ हिंदू और सिख, दिग्विजय सिंह जी, सिर्फ हिंदू और सिख, यदि वे वहां नहीं रहना चाहते वो निसंदेह भारत आए, भारत सरकार का दायित्व है उनको स्वीकार करना, इस मामले में न सिर्फ स्वीकार करना, उनको रोजगार देना,
मताधिकार देना, उनके जीवन को सुखकर बनाना, ये भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है। ये महात्मा गांधी ने कहा है, और इन्होंने सिर्फ हिंदू और सिख कहा है। सिर्फ आपको जो वो मुस्लिम मुस्लिम चिपक गया इसलिए कह रहा हूं, ये बाद में चिपका है जरा, पहले नहीं था ऐसा। पहले समस्याओं को धर्म के आधार पर नहीं, मुसलमान की भी समस्या है तो उसका समाधान निकालेंगे भाई, मगर आज समस्या हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसी और ईसाई के लिए है तो उसका समाधान निकाल रहे, इसमें आपत्ति कैसे हो सकती है? मान्यवर, मैं फिर से, कई सदस्यों ने कहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े वरिष्ठ सदस्य, देश के पूर्व प्रधानमंत्री यहां बैठे, उन्होंने भी इसी सदन में कहा था, विपक्ष के नेता और असम के सदस्य डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, महोदय जब मैं इस विषय पर बात करता हूं तो मैं हमारे देश के विभाजन के बाद शरणार्थियों के प्रति बर्ताव के बारे में बताना चाहूंगा। अल्पसंख्यक मतलब वहां के जिसमें मुसलमान नहीं आता है, अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश जैसे देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, और अगर हालात इन लोगों को मजबूर करती है तो हमारा नैतिक दायित्व इन अभागे लोगों को नागरिकता प्रदान करना है, जो डॉक्टर साहब ने कहा हम कर रहे हैं, मगर कांग्रेस विरोध कर रही है। माननीय, ये जो बेंचेस चेंज होती है और अप्रोच बदलता है, मैं नहीं मानता। अभी बड़े बड़े आवाज से हमारे सम्माननीय सदस्य डेरेक ओब्रायन जी कहते थे, ममता बनर्जी ने लोकसभा में 4/8/2005 को कहा, बंगाल में घुसपैठ अब आपदा बन गई है, आप मतदाता सूची में बांग्लादेशियों के साथ साथ भारतीय नाम देख सकते हैं, मेरे पास सर, दिस